हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह आप लोगों का दोस्त और आप लोगों के लिए एनाटॉमी के टॉप 20 एमसीक्यू लेकर आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। और इस वीडियोज़ में हम एनाटॉमी के कुछ वैसे सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ये जो अभी आने वाले एग्ज़ाम है DSSB के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चन उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। तो आप प्लीज़ वीडियोज़ को पूरे अंत तक देखना, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियोस को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, डैश इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है? इसमें से आपके ऑप्शन है मालपिकियन कॉर्पस्कल, यूरेटर, रेनल टिब्यूल एंड द लास्ट ऑप्शन इज बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी फर्स्ट और थर्ड, यानी ये जो है इसका सही जवाब है। अब सबसे पहले हम लोग मालपिकियन कॉर्पस्कल्स और रेनल टिब्यूल्स, तो रेनल टिब्यूल्स के बारे में तो बताइए कि नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है रेनल टिब्यूल्स। और हम बात कर लेते हैं मालपिकियन कॉर्पस्कल्स के बारे में बात करते हैं, तो ये जो मालपिकियन कॉर्पस्कल्स है ये एक पार्ट है नेफ्रॉन का, जो कंसिस्ट करता है ग्रोमेरुलस, ब्रोमेंस कैप्सूल, यानी जो ब्रोमेंस कैप्सूल होता है और ग्रोमेरुलस जो होता है उसको ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। और इस कारण से इसको हम लोग मालपिकियंस बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द एवरेज पीएच ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड होता है उसका पीएच कितना होता है? आपके ऑप्शन है 6.3, 7.4, थर्ड ऑप्शन इज 8.5 एंड द लास्ट ऑप्शन इज 9.4। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, 7.4, यानी 7.4 जो एवरेज पीएच है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड के, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, सीएसएफ इज फाउंड इन, आपके ऑप्शन है इपिड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, थर्ड ऑप्शन इज सब एरकोनाइड स्पेस एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, सब एरकोनाइड स्पेस। सबसे पहले हम लोग बारी बारी से इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इपिड्यूरल स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इपिड्यूरल स्पेस क्या है? एक आउटर मोस्ट पार्ट है स्पाइनल कोड का, ठीक है। तो इपिड्यूरल स्पेस के बारे में बता देना, ये बाहर का पार्ट है स्पाइनल कोड का। अब सब ड्यूरल स्पेस के बारे में बात करें तो एक ये पोर्शन है, यानी आप बोल सकते हैं एरकोनाइड मैटर और ड्यूरा मैटर, इसको सेपरेट करने का एक पोर्शन होता है सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। तो ड्यूरा मैटर याद रखना है, ड्यूरल से याद रहेगा ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर और एरकोनाइड मैटर, इन दोनों को सेपरेट करता है ये। और सी एस एफ पूछा जाएगा मेनली तो कहाँ पर पाया जाएगा, तो सब एरकोनाइड स्पेस में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है सब एरकोनाइड स्पेस, ये एरकोनाइड मेम्ब्रेन और पाई मैटर के बीच का स्पेस है। और बस इसमें तो तीन ही ऑप्शन है, तीनों के बारे में हमने चर्चा कर ही लिया। अब चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हु डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। आपके ऑप्शन है हैकल, पाश्चर, लॉर्ड डिस्टर एंड द लास्ट ऑप्शन इज विलियम हार्वे। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, विलियम हार्वे, यानी विलियम हार्वे जो है इन्होंने ही सर्कुलेशन का खोज किया था, ब्लड सर्कुलेशन यदि पूछा जाए तो विलियम हार्वे बताना है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ऐसे तो आसान क्वेश्चन है लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से सब जितने भी यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम दिया हो सबके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने क्या अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले हम हैकल की बात करें, तो हैकल एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो नेमिंग होता है यानी जितने भी एनिमल्स या ट्रीज जो होंगे लिविंग्स बींग्स के नेमिंग में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, उसके क्लासिफिकेशन में बड़ा योगदान दिया है। और हम पाश्चर के बारे में जाने तो पाश्चर को कौन नहीं जानता, तो ये वैक्सीनेशन के लिए माइक्रोबियल फर्मेंटेशन उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा भी फेमस हैं। और साथ में ये पेस्टराइजेशन, ये भी पूछा जाता है कई बार पेस्टराइजेशन जो है, तो पेस्टराइजेशन के लिए कौन है? तो पाश्चर से ऐसे याद रह जाएगा पेस्टराइजेशन, ठीक है। तो लॉर्ड लिस्टर के बारे में तो हमने देख ही लिया, तो लॉर्ड लिस्टर यानी जो सर्जिकल स्टाइल टेक्निक होता है इन्होंने लॉर्ड लिस्टर के द्वारा ही बताया गया था, उन्होंने ही कार्बोलिक एसिड, ठीक है। ये कभी पूछा जाए यदि किस उस समय जो था स्टाइलाइजेशन के लिए किस एसिड का इस्तेमाल होता था, तो कार्बोलिक एसिड का, ठीक है। तो कार्बोलिक एसिड का इन्होंने इस्तेमाल किया था किसके लिए? स्टाइलाइजेशन के लिए। किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड लिस्टर के द्वारा। और विलियम हार्वे के बारे में तो हमने देख ही लिया कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड किसके द्वारा खोज किया हुआ डिस्कवर हुआ है, तो विलियम हार्वे, ठीक है। चलिए हम अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द राइट ए वी वल्व ऑफ द हार्ट। ए वी वल्व क्या है?
एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का जो बल्ब होता है उसे पूछा जाता है, यानी जो राइट चैम्बर है तो उसमें एट्रियम और वेंट्रिकल के जो बीच बल्ब है उसका क्या नाम है? तो आपके ऑप्शन है बिकस्पिड बल्ब, पल्मोनरी बल्ब, एरेटिक बल्ब और ट्राइकस्पिड बल्ब। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, ट्राइकस्पिड बल्ब। सबसे पहले देख लेते हैं अब हम लोग बी कस्पिड के बारे में बात करें, तो ये लेफ्ट साइड होता है, ये लेफ्ट में ए और वी जो बल्ब होता है उसको हम लोग बोलते हैं बी कस्पिड बल्ब। ये लेफ्ट साइड होगा, याद रखना है ये किधर होगा, लेफ्ट साइड, हर्ट के लेफ्ट साइड में। उसके बाद पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन बल्ब जो होता है पल्मोनरी वेन में होता है, एरोटिक बल्ब एरोटा में होता है, तो आराम से याद रहेगा। चलिए चलते हैं, मेरा छठा क्वेश्चन है व्हाट इज लेफ्ट एवी बल्ब नेम्ड, जो लेफ्ट एवी बल्ब होगा उसका क्या नाम होगा? तो हमने पिछले क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, जो एवी बल्ब होता है उसका नाम क्या होता है, बाइकस्पिड बल्ब होता है। तो यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन है, मिडल बल्ब, बाइकस्पिड बल्ब, एरोटिक बल्ब एंड ट्राइकस्पिड बल्ब, लेकिन इसका सही जवाब क्या है, बाइकस्पिड बल्ब और साथ में मिडल बल्ब। ये मिडल बल्ब और बाइकस्पिड बल्ब दोनों एक ही है, ठीक है? तो ख्याल रहे यदि कहीं पे मिडल बल्ब मिलता है तो वहाँ पे आपको मिडल बल्ब भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पासिंग थ्रू द ऑर्गेन इन अ गिवन टाइम इज नोन एज। आपके ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंटल बल्ब वॉल्यूम, मीन वॉल्यूम फ्लो, टाइडल वॉल्यूम एंड द लास्ट ऑप्शन इज रेसिडुअल वॉल्यूम। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, मीन वॉल्यूम फ्लो। मीन वॉल्यूम फ्लो यानी जो आपको पूछा जाएगा जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पास होता है ऑर्गेन से इन अ गिवन टाइम उसको क्या बोलते हैं, तो मीन वॉल्यूम फ्लो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8, इंक्रीजेस इन पल्स रेट अबव नॉर्मल रेंज इज नोन एज। आपके ऑप्शन है ब्रैडीकार्डिया, पल्स अल्टरनेट, ट्रैकीकार्डिया एंड द पल्स पैराडॉक्सस। इसका सही ऑप्शन है, सही जवाब है आपका ऑप्शन 3, ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया में क्या होता है, जो जो ब्लड प्रेशर होता है यानी जो इन पल्स रेट होता है हार्ट का वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो किस कंडीशन में, तो ट्रैकीकार्डिया, याद रखना है ट्रैकीकार्डिया इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर क्वाइट एक्सपायरेशन इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है टोटल लंग कैपेसिटी, मिनिमल वॉल्यूम, थर्ड ऑप्शन इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड द लास्ट ऑप्शन इज सप्लीमेंटल वॉल्यूम। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, यानी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है? यानी जब हम लोग एक्सपायरेशन करते हैं यानी श्वास को बाहर निकालते हैं तो उस टाइम में जो क्वाइट अमाउंट में यानी बहुत कम अमाउंट में जो एयर हमारे लंग्स में बचा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होता है हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय, जो इंसुलिन और ग्लाइकोजन जो हार्मोन्स होता है वो सेक्रेट किया जाता है कौन से ऑर्गन्स के द्वारा? आपके ऑप्शन है लीवर, पेनक्रियाज, स्टमक एंड द लास्ट ऑप्शन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, पेनक्रियाज, ठीक है, याद रखना है पेनक्रियाज जो होता है इंसुलिन और ग्लाइकोजन हार्मोन्स को सेक्रेट किया जाता है पेनक्रियाज के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स काउज डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज तो आप लोग जानते ही हो, जिसमें दांतों में कैविटीज हो जाती है, टूथ कैविटी, तो किसकी वजह से होता है, किस मिनरल्स की कमी की वजह से होता है? आपके ऑप्शन है सोडियम, कॉपर, आयोडीन एंड द लास्ट ऑप्शन इज फ्लोराइड। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, फ्लोराइड, ठीक है, याद रखना है कि फ्लोराइड जो है फ्लोराइड की कमी के डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, डेंटल कैरीज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच इंजाइम्स कन्वर्ट्स स्टार्च इंटू माल्टोज। माल्टोज में कौन सा इंजाइम्स है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है? आपके ऑप्शन है एमाइलेज, एलडीएच, टाइलिन, एसजीपीटी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, टाइलिन, ठीक है, याद रखना है टाइलिन क्या करता है, जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच लिक्विड लिब्रिकेट्स द लाइनिंग ऑफ ओरल कैविटी, यानी कौन सा लिक्विड है जो लिब्रिकेट्स करता है ओरल कैविटी के लाइनिंग को? आपके ऑप्शन है गैस्ट्रिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, स्लाइवा एंड द लास्ट ऑप्शन इज ब्लड। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, स्लाइवा, ठीक है, याद रखना है स्लाइवा जो होता है वो लिब्रिकेट करता है ओरल कैविटी को।
क्वेश्चन नंबर 14, द अदर नेम ऑफ विटामिन B1 इज, आपके ऑप्शन है कैरोटीन, थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड द लास्ट ऑप्शन इज पायरिडॉक्सिन। उसका सही जवाब है ऑप्शन टू जो आपका है थायमिन, इसका सही जवाब है। याद रखें, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन से रिलेटेड जो नेम होते हैं उनको भी देख लिया करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें और भी जो ऑप्शन है उनके बारे में देख लेते हैं। तो कैरोटीन के बारे में बात करें तो कैरोटीन जो है ये प्रिकर्सर है, यानी विटामिन ए जो बनता है, यानी हमारा जो बॉडी है वो बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये यानी हम कह सकते हैं प्रिकर्सर और विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए का प्रिकर्सर है ये। और ये आपका B1 हो गया, विटामिन B1। राइबोफ्लेविन के बारे में बात करें तो राइबोफ्लेविन जो है ये आपका B2 है, और पायरिडॉक्सिन जो है ये B6, ठीक है, विटामिन B6। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज बैक्टीरियोसाइडल इन एक्शन। जो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन होता है कौन सा पार्ट है गैस्ट्रिक जूस का, तो हमें पता है गैस्ट्रिक जूस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस जो पार्ट्स हैं गैस्ट्रिक जूस का वो कौन कौन सा है, पेप्सिन, HCl, म्यूकस, ये इसका पार्ट है। तो इसमें से पूछा था बैक्टीरियोसाइडल पार्ट मतलब कौन सा है जो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन करता है। बैक्टीरियोसाइडल मतलब जो बैक्टीरिया, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे शरीर के अंदर आता है तो उससे हमें बचाता है, उससे उसको किल करता है। तो कौन ऐसा काम कौन करता है, आपके ऑप्शन है पेप्सिन, HCl, रेनिन एंड द लास्ट ऑप्शन इज इंट्रिंसिक फैक्टर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, HCl। यानी HCl क्या करता है, बैक्टीरियोसाइडल एक्शन ये प्रोवाइड कराएगा, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे शरीर के अंदर आएंगे तो उनको किल करने में ये हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, एमाइलोप्सिन कन्वर्ट स्टार्च इनटू, आपके ऑप्शन है लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, माल्टोज। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एमाइलोप्सिन क्या है। तो एक ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज है, ठीक है, यानी जो पेनक्रियाज होता है तो पेनक्रियाज से सिक्रेट होने वाला एक एमाइलेज है, एंजाइम्स है एमाइलोप्सिन, यानी जिसको हम लोग पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज अ सोर्स ऑफ मसल्स ग्लाइकोजन, आपके ऑप्शन है यूरिन ग्लूकोज, इंसुलिन, थर्ड ऑप्शन इज ब्लड ग्लूकोज एंड द लास्ट ऑप्शन इज CSF ग्लूकोज। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, ब्लड ग्लूकोज, यानी जो सोर्स होता है मसल्स ग्लाइकोजन का इसका क्या होगा, तो ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड इज कॉल्ड, जो ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का उसको क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शन है अल्फा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, गामा ऑक्सीडेशन एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑप्शन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, बीटा ऑक्सीडेशन, यानी जो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, जो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, तो बीटा ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के लिए मेन सोर्स एनर्जी का क्या है। आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन एंड द लास्ट ऑप्शन इज एंजाइम्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, यानी ग्लूकोज, ठीक है। यानी पूछा जाएगा मेन सोर्स क्या है एनर्जी के लिए, स्केलेटल मसल्स के लिए एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, तो ग्लूकोज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, यानी ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइट ऑफ इंसुलिन फॉर्मेशन, यानी पूछा जा रहा है साइट ऑफ इंसुलिन फॉर्मेशन, यानी इंसुलिन जो फॉर्मेशन होता है वो उसका साइट क्या है। तो हमें पता है कि इंसुलिन कहाँ फॉर्म होता है, तो पेनक्रियाज में फॉर्म होता है। तो पेनक्रियाज में किस जगह पे होता है, आपके ऑप्शन है पेरेंकाइमल सेल्स, अल्फा सेल्स, आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑप्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, ठीक है। तो याद रखेंगे आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपके कमेंट्स होंगे वो मेंशन करें, और भी आपको जो भी जिस टाइप की वीडियोस की ज़रूरत हो आप मुझे इन्फॉर्म करो, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।